हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है भगवान। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उसकी इज्जत करते थे। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों पर जाने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी पेड़ के नीचे बैठे हैं और भगवान का नाम जप रहे हैं, तो उन्हें यह जगह छोड़ने की सलाह दी। परंतु साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान ही बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु के कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। मल्ला ने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे मेरा भगवान बचाएगा, साधु ने उत्तर दिया। नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहाँ बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी और एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुँचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे जोर से पकड़ने का आग्रह किया, पर साधु फिर बोला, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। उनकी हट के आगे बचाव दल ने हथियार डाल दिए और वहाँ से चले गए। कुछ ही देर बाद पेड़ बाढ़ की धारा में बह गया और साधु जी महाराज की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुँचे और भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन के साथ आराधना की, तपस्या की, पर जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था, तब तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए? ऐसा क्यों प्रभु? भगवान बोले, हे साधु महाराज, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए एक नहीं बल्कि 3 बार आया। पहला ग्रामीणों के रूप में, दूसरा नावाले के रूप में और तीसरा हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में, किंतु तुम मेरे इन अवसरों को पहचान ही नहीं पाए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम ऐसी कोई और कहानी डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।